हर कोई देखिए भाई अपने स्मार्टफोन में दो दो सिम नेटवर्क रखता है, मतलब दोनों सिम नेटवर्क को चलाना काफी मुश्किल हो जाता है, खर्चा काफी हो जाता है, क्योंकि लोग जो अपना चाहे डाटा हो चाहे कॉलिंग हो एक ही सिम से चालू रखते हैं। तो दूसरी सिम का क्या किया जाए और दूसरी सिम को कैसे ऑन करके रखा जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो सभी टेलीकॉम कंपनी के जो रिचार्ज प्लान्स हैं वो यही हैं 28 डेज की वैलिडिटी के साथ। और इसमें जो है आप लोगों को लगभग कम से कम या तो 155 का या 179 का या 199 का कुछ ऐसा रिचार्ज करना होता है भाई। तो मतलब मंथली जो है आप लोगों को ये जो है पैसा चुभता होगा कि भाई हमें ये फ्री का देना पड़ रहा है और हमें सिर्फ सिम एक्टिवेट रखनी है और इस वैलिडिटी का जो है हमें इतना पैसा देना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भाई। जी हाँ, अगर आप लोग सिर्फ अपनी सिम एक्टिव रखना चाहते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग बंद कर दी जाती है भाई 28 दिन के बाद। अगर आप लोग 15 दिन तक रिचार्ज नहीं करते हैं, इनकमिंग तो चलती रहेगी लेकिन 15 दिन के बाद क्या करता है भाई एयरटेल वोडाफोन या कोई भी सर्विस है तो वो जो है इनकमिंग और इनकमिंग भी बंद कर देती है आउटगोइंग के साथ साथ, ठीक है। तो आपके जो फोन कॉल्स आते हैं वो भी आना बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको फिर से रिचार्ज करना होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कुछ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के सिम नेटवर्क ले रखे हैं तो अगर आप लोग जियो या एयरटेल या यूज़ करते हैं डाटा या कॉलिंग आप उससे यूज़ करते हैं तो आप लोग सिर्फ उसी का फ़ायदा उठाइए। सेकेंड सिम को जो है आप लोग पोर्ट करा सकते हैं BSNL जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। जी हाँ, BSNL के अंदर अगर नहीं है आप लोग के पास तो BSNL में पोर्ट कर लीजिए। अगर पहले से आप लोगों का BSNL है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि BSNL का एक ऐसा प्लान है आपको जिसमें वैलिडिटी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को उस सिम नंबर से कॉलिंग वगैरह नहीं करनी है, डाटा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को चाहिए कि ये नंबर चलता रहे, वैलिडिटी जो है इसमें मिलती रहे, तो एक बहुत अच्छा प्लान जो है BSNL ने लॉन्च कर रखा है भाई। जी हाँ, और ये बहुत सस्ता प्लान है। एक दिन का अगर आप लोग खर्चा लगाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 रुपये 60 पैसे आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका मंथली प्लान है वो 48 रुपये का है। सिर्फ 48 रुपये का रिचार्ज आप लोगों को कराना होगा। 48 रुपये के अंदर आप लोगों को देखिए क्या क्या मिलेगा। एक तो 10 रुपये का टॉक टाइम मिल जाएगा, ठीक है, ये 10 रुपये आप लोग यूज कर सकते हैं सिम से। और जो कॉलिंग है आप लोगों को 20 पैसा पर मिनट जो है कॉल चार्ज लगेगा, तो इसका कोई है ही नहीं, मतलब इसका कोई आप लोगों को कोई झंझट ही नहीं है, चाहे 20 पैसे लगे चाहे 1 रुपया लगे, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ वैलिडिटी से मतलब है ना। तो इसमें वैलिडिटी 30 दिन तक मिलेगी, 28 दिन भी नहीं, 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी भाई 48 रुपये के रिचार्ज में। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन का खर्चा सिर्फ 1 रुपये 60 पैसे लगेगा भाई। और ये मैं बता देता हूँ भाई, पूरे इंडिया के अंदर शायद ये रिचार्ज प्लान ना हो, किसी स्टेट में शायद आप लोगों के प्लान देखने को नहीं मिल सकता है। आप लोग जो है कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्लान्स इन्फो वगैरह वहां पर चेक कर लेना। अगर आपके सर्कल में ये प्लान है तो आप BSNL में ये 48 का रिचार्ज प्लान यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर हरियाणा में तो भाई ये प्लान यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो देखिए दोस्तों ये प्लान 48 का अवेलेबल है। बाकी आप लोग अपने स्टेट के हिसाब से चेक कर लेना आपके स्टेट में ये प्लान अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि BSNL जो है ऑल ओवर इंडिया के जो है प्लान अलग अलग रखता है स्टेट के हिसाब से। तो हो सकता है आपके स्टेट में ये प्लान अवेलेबल ना हो, तो आप लोग चेक कर सकते हैं भाई।